नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असवानी। अमूमन ये कहा जाता है कि अब जो दिल्ली है वो लड़कियों के लिए सुरक्षित है। अब लड़कियां, बच्चियां या महिलाएं 9 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं, और अगर कोई लड़की एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाती है तो वहां का माहौल अब उसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई दिल्ली जो है वो महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित है, और ये सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली से एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसने पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, उस बच्ची का नाम है साक्षी और उस हैवान का नाम है साहिल। बच्ची पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए जाते हैं, और जब आरोपी का मन उससे भी नहीं बढ़ता है तो वो हैवानियत की हदें ऐसी पार करता है कि वो उस बच्ची पर पत्थरों तक से वार कर देता है। बच्ची लड़ती रही, अपने जिंदगी के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक तक नहीं सुनी। हमने वीडियो देखा और आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा कि आसपास के जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं, वो उस पूरी वारदात को देख रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो उस हत्याकांड को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे किसी वेब सीरीज या किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। लेकिन उस दौरान किसी भी एक इंसान ने जहमत नहीं उठाई कि वो बच्ची को बचाने का प्रयास करे। एक युवक ने हिम्मत भी जुटाई, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी डर के मारे वहां से भाग निकला। लेकिन अब सवाल ये भी उठना लाजमी है कि वैसे तो हम कहते हैं कि जब भी महिलाओं या बच्चों के खिलाफ कोई अपराध होता है तो पूरा समाज एकजुट होकर के सामने आ जाता है, लेकिन इस हत्याकांड में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहां से महिलाएं हों, बच्चियां हों, बुजुर्ग हो, आदमी हो, हर एक वर्ग का जो लोग है, जो हर एक वर्ग के लोग हैं, वो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। अब सवाल मेरा आप सभी से ये है कि क्या अगर साक्षी की जगह आपके घर की बच्ची होती तो क्या आप भी उस घटना को इग्नोर कर देते? शायद नहीं करते। और ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि वैसे हम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं, और अब महिलाएं और बच्चियां जो लड़के हैं और जो पुरुष हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो क्या वाकई में जो बच्चियां या जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं क्या वो अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे? क्या वो अपनी बच्चियों को घर से बाहर आने देंगे? क्योंकि अगर समाज एक साथ आकर के शायद अगर साक्षी के लिए खड़ा होता तो साक्षी आज हमारे बीच में होती, लेकिन ना तो लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लोग उस घटना को देखते रहे, आगे बढ़ते रहे और साहिल हैवानियत की हदें पार करता रहा, और आखिरकार साक्षी ने दम तोड़ दिया। और ये दिल्ली पर और दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा सवाल है।